हेलो एवरीवन, आई एम रिद्धि एंड यू आर वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन जो है आपका रिटन एग्जामिनेशन वो तो आपका होगा ऑनलाइन में, ये सभी को पता है, पर जो प्रैक्टिकल्स है वो कैसे होगा आपको डेफिनेटली मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं ऑनलाइन में तो एग्जामिनेशन होगा पर कैसे होगा, एमसीक्यू मोड पे या फिर लॉन्ग रिटन टाइप मोड पे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओमिक्रॉन का एक इंपॉर्टेंट अपडेट है वेस्ट बंगाल का एंड इंडिया का भी, दोनों ही मैं आपको दूंगा। तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको यह बता देता हूं, अगर आप गेट 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। डेफिनेटली इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डेफिनेटली जाके एनरोल कीजिए, बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर आपको पता चलेगा और अगर आपका अच्छा रैंक आए तो डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंकिंग भी आपको मिलेगा। आपको डेफिनेटली जहां पर इंप्रूवमेंट का जरूरत है वो भी आपको पता चलेगा। तो बिल्कुल फ्री है, कूपन कोड यूज करना SITL10 तो आप यहां पे दे पाएंगे। एवरी संडे ये हो रहा है जनवरी 2 से 30 तारीख तक जनवरी का ये आपका चलेगा। तो डेफिनेटली जाके ये मौके का फायदा उठाइए, स्काई इज द लिमिट का मेंबर होने का फायदा उठाइए। तो डेफिनेटली जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एनरोल कीजिए, कूपन कोड देना SITL10। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं, अनअकैडमी का जो आपका गेट का कॉम्बैट टेस्ट होता है वो भी आपका फिर से होगा 26 दिसंबर का सुबह का 11 AM से। यह आपका लाइव एक टेस्ट होता है, आपको पता है 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स टाइम रहेगा। अगर आपका अच्छा स्कोर है तो डेफिनेटली बहुत कुछ आप जीत सकते हैं, एप्पल आईपैड आपका जीत सकते हैं, JBL हेडफोन जीत सकते हैं। और आपका अगर आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आए किसी भी ब्रांच हो, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, CSIT, अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा है तो बिल्कुल 100% फ्री स्कॉलरशिप भी आपको अनअकैडमी की तरफ से मिल सकता है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेफिनेटली जाके इसके लिए भी एनरोल कीजिए। SITL10 आपका कूपन कोड है, बिल्कुल फ्री में आप एनरोल कर पाएंगे। एंड अभी एक नया बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है, आरोहण बैचेस आपका, डिफरेंट आरोहण बैचेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहा है, तो डेफिनेटली जाके आप लोग ये बैच भी खरीद सकते हैं। अगर आप गेट 2022 या फिर 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डिफरेंट टाइमिंग के लिए, एक साल दो साल के लिए कोर्सेस हैं, डेफिनेटली जाके ये कोर्सेस आप बाय कर सकते हैं। स्टार्ट डेट है आपका 22 दिसंबर, टॉप एडुकेटर्स जो है वो आपको पढ़ाएंगे, डेफिनेटली जाके इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप कोर्स खरीदे SITL10 कूपन कोड दे, इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफिनेटली जाइए, ये तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अप्लाई कीजिए। आपका हो सकता है मॉक टेस्ट या फिर आपका कॉम्बैट टेस्ट या फिर आपके न्यू बैच अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं गेट एंड ESE के लिए। अब चलिए मेन वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ओमिक्रॉन का जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपको दे देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन कोरोना वायरस इंडिया लाइव, ओमिक्रॉन टैली एट 358 आफ्टर हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक, नाइट कर्फ्यू इन UP एंड MP। तो उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है एंड ओमिक्रॉन का सिंगल डे में अभी तक हाईएस्ट टैली अभी आया है एंड टोटल जो केसेस है 358 टोटल केसेस अभी सामने आ गया है। आपको पता है कुछ दिनों से हम लोग सुन रहे थे कि 100 हुआ है, उसके बाद 200 कितना जल्दी जल्दी हुआ, उसके बाद 350 भी क्रॉस कर गया अभी, तो कितना तेजी से स्प्रेड कर रहे हैं ओमिक्रॉन आप लोग सोच सकते हैं। एंड अभी डिफरेंट स्टेट की तरफ से नाइट कर्फ्यू भी बोल दिया गया, आप देख सकते हैं UP एंड MP की तरफ से नाइट कर्फ्यू भी अनाउंस कर दिया गया है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी डिफरेंट लेटर भेजा गया है डिफरेंट स्टेट्स को, होपफुली इसके बारे में कुछ हम लोग पॉजिटिव अप्रोच करेंगे ताकि इतना जल्दी से ओमिक्रॉन ना फैले और थर्ड वेव ना आए। पर अगर थर्ड वेव आ गया तो आप लोग कंफर्म रह सकते हैं नेक्स्ट जो आपका सेमेस्टर है उसका क्लासेस भी आपका ऑनलाइन मोड पे होने का चांस बढ़ जाता है, और अगर क्लासेस ऑनलाइन में हो तो नेक्स्ट सेमेस्टर भी आपका ऑनलाइन में होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा नहीं होगा हम लोग तो कुछ दिनों के बाद और पता चल जाएगा, जनवरी मंथ में ही होपफुली हम लोगों को नेक्स्ट वेव के बारे में फुल कंफर्मेशन आ जाएगा कि कितना इंपैक्ट आएगा कितना इंपैक्ट नहीं आएगा, तो हम लोग थोड़ा और वेट करेंगे उसके लिए। पर अभी वेस्ट बंगाल का भी एक नया अपडेट आया है, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट केसेस सामने आ रहे हैं, स्कूल कॉलेज फिर से बंद हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो अपडेट है ये अपडेट india.com में, मैं आपको दिखा रहा हूं india.com से, यहां पे क्या बोला जा रहा है, 29 स्कूल स्टूडेंट्स टेस्ट कोविड पॉजिटिव इन वेस्ट बंगाल्स नदिया डिस्ट्रिक्ट अंडर क्वारंटाइन नाउ। तो क्वारंटाइन किया गया टोटल 29 स्टूडेंट्स को, वो टेस्ट हुए हैं कोविड पॉजिटिव। डेफिनेटली एक टेंशन का मैटर है, वेस्ट बंगाल में एक स्कूल में 29 टोटल स्टूडेंट्स एक साथ क्वारंटाइन में है, होम क्वारंटाइन में एक साथ पॉजिटिव हुए हैं कोविड के लिए। डेफिनेटली अभी स्कूल बंद भी किया गया है, सभी का सिम्टम था, कफ हो रहा था, कोल्ड था, तो डेफिनेटली एक टेंशन का मैटर है कि एक स्कूल में एक साथ 29 जो स्टूडेंट्स हैं पॉजिटिव हुए।
रहे हैं। तो अगर कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेज पे ऐसा केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं, तो मैं बोलूँगा डेफिनेटली उनको सावधानी से रहने के लिए, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने क्लास किया है या फिर कोई टीचर थे, टीचर का पॉजिटिव हुआ है वहाँ पर आप क्लास पे थे, तो डेफिनेटली मैं भी बोलूँगा कि आप थोड़ा घर के जो अदर लोग हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्वारंटाइन कीजिए अपने आप को, क्योंकि ये बोला नहीं जा सकता कि किसको कितना जल्दी से स्प्रेड हो, कौन मतलब स्प्रेड करे। हो सकता है आप पॉजिटिव नहीं है पर आप अदर्स को भी पॉजिटिव कर सकते हैं, तो ये सब सोच के हम लोगों को डिसीजन लेना है। पर डेफिनेटली अभी स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, ऑल ओवर द इंडिया आ रहे हैं, पर वेस्ट बंगाल में भी आ रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल अभी दिखाया कि एक ही स्कूल से टोटल 29 स्टूडेंट्स को कोविड पॉजिटिव हुआ था। अब चलिए स्टूडेंट्स जो और क्वेश्चन कर रहे थे, मेनली दो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका भी आंसर मैं आपको दे देता हूं। तो जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स तब से कर रहे थे, एक तो स्टूडेंट्स का मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोगों का जो थ्योरी पेपर है वो तो भाई हम लोगों को पता है कि ऑनलाइन में होगा, पर जो प्रैक्टिकल है वो क्या होगा। देखिए नॉट ओनली थ्योरी, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल सभी को, सभी एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन में ही होना पड़ेगा, तो इसको लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी फिजिकल अटेंडेंस करके आपका क्लासेस या फिर अभी आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन था वहां पे बोला गया है कि सभी टाइप का एग्जामिनेशन जो करंट सेमेस्टर और सेमेस्टर है सभी ऑनलाइन में लेना पड़ेगा, उसके अंदर आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी आता है, जो ऑनलाइन आपका थ्योरी एग्जाम है वो भी आपका होगा। तो ये आपका कंफर्म होपफुली हो गया है कि नॉट ओनली थ्योरी पेपर, प्रैक्टिकल पेपर भी आपका ऑनलाइन में ही होगा। अब चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहे थे, आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न आपका कैसा होगा, एमसीक्यू या फिर आपका लॉन्ग रिटन टाइप क्वेश्चन। देखिए सिर्फ मैकआउट के लिए एमसीक्यू जैसा होता था, एमसीक्यू टोटल 70 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा, एक मार्क्स का एंड दो मार्क्स का, डिफरेंट दो टाइप का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। होपफुली मैकआउट वैसे ही एग्जामिनेशन लेंगे, पर जो अदर्स है अदर्स आइदर आपका रिटन मोड पे या फिर असाइनमेंट मोड पे ही आपका टेस्ट लेंगे, तो आपका एमसीक्यू एकमात्र मैकआउट का ही होगा। टोटल आपका दो सेक्शन होता है, एक नंबर का क्वेश्चन एंड दो नंबर का क्वेश्चन। मैकआउट का जैसे होता है आपको पता है कि चार ऑप्शन रहता है टोटल, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना पड़ेगा। होपफुली मैकआउट वैसे ही लेंगे इस बार भी, एंड जो अदर यूनिवर्सिटीज है आपको 15 मिनट्स पहले आपका क्वेश्चन दे दिया जाएगा, डाउनलोड करके आप आंसर लिखेंगे, पीडीएफ बना के सबमिट करेंगे, उसके लिए भी आपको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। फॉर अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग टोटल 30 मिनट्स 15-15 करके आपको दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि सभी का एमसीक्यू होगा या फिर सभी का लॉन्ग रिटन टाइप होगा, मैकआउट होपफुली एमसीक्यू ही लेंगे, एंड अदर्स जो है जैसे लेते थे वैसे ही आपका प्रोसीड्यूर, सेम प्रोसीड्यूर से जैसे प्रीवियसली दिए हैं वैसे ही आपका होगा। तो यही था आज का वीडियो, वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्यूचर वीडियोज के लिए, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी को मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी वीडियो के साथ फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।